हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो वीआर फार्मर्स, हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम खबर में मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौसम की जानकारी। इसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे होगी बारिश, कहाँ पे चल सकती है गर्म हवाएं और कहाँ पे हो सकता है आंधी तूफान। मानसून आपके राज्य में कब दाखिल होगा, ऐसे मानसून से जुड़े तमाम प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके क्षेत्र में बारिश कब होगी और वहाँ पे मानसून की हालत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्षेत्र का नाम लिख दें, ताकि जैसे ही उस क्षेत्र से कोई अपडेट मिलती है हम तुरंत आपके लिए पोस्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मानसून की, कि मानसून कहाँ तक आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। दोस्तों, जो मानसून पिछले 2-4 दिनों से दक्षिणी भारत में स्थित था और वो जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अब कल की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, उसको आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी है और यह जो मानसून है वह मध्य महाराष्ट्र में दाखिल हुआ है। साथ ही साथ यह मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में भी दाखिल हुआ है। तो यहाँ पे मानसून की एक अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे और एक खबर है दोस्तों, स्पेशल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना क्षेत्र से रिलेटेड, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, क्या है ना, हमारा जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है उसके ऊपर एक लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। तो यह लो प्रेशर बेल्ट क्या काम करता है दोस्तों, वहाँ पर जो एयर है उसका प्रेशर लो होता है, उसकी वजह से बाकी एरिया से उस एरिया में हवा ब्लो होती है और उसकी वजह से उस क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर जो एक लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है उसके कारण तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश आने वाले 2 दिनों में हमें देखने को मिलेगी। तो यह विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। वहाँ पे आने वाले 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इसी वजह से दोस्तों मानसून और आगे बढ़ेगा और हो सकता है यदि वह बेल्ट यदि मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की ओर खिसकती है तो वहाँ पे भी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन गुजरात का जो मौसम है दोस्तों, अभी के लिए तो गुजरात का मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही साथ मुंबई की 1-2 जगह हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन इस लो प्रेशर बेल्ट की वजह से दोस्तों कर्नाटक में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में थोड़ी फार बारिश हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यह रेन शैडो एरिया में आ जाता है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक बात यहाँ पे है दोस्तों, जो उत्तर भारत के लिए खास है दोस्तों, चक्रवात की परिस्थिति पूर्व हिमालय की उत्तरी पूर्वी राज्य में बनी है, जिसके कारण बंगाल और सिक्किम में अच्छी बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, चक्रवात की जो परिस्थिति है वह जो हमारी बंगाल की खाड़ी और जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उसमें बनी है, जिसके कारण बंगाल और सिक्किम में अच्छी खासी बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यह मानसून और आगे की तरफ रुख करने के लिए परिस्थिति और अनुकूल बनाएगा, जिसके कारण ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तरी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तरी भारत के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इस वजह से है, जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वह उत्तरी पाकिस्तान की ओर बना है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में 1-2 जगह पे बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा दोस्तों। इन राज्यों में हालाँकि अभी तो कोई जगह पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर यदि 1-2 जगह बारिश हो भी जाती है तो वह प्री मानसून बारिश कहलाएगी दोस्तों, क्योंकि इन राज्यों में दोस्तों अभी तक मानसून दाखिल नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मानसून की बारिश नहीं दिखेगी। लेकिन प्री मानसून बारिश यहाँ पे 1-2 जगह देखने को मिल सकती है। तो बस आज की इस स्पेशल खबर में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, किसान भाइयों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।